व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट स्पीड रनर वर्सेस हंटर्स। तो बेसिकली इसमें चार हंटर्स होने वाले हैं, जिनका टारगेट है मुझे मारना और मेरा टारगेट है एंड ड्रैगन को मार के गेम खत्म करना। ऑलराइट गाइस, तो ये चारों लोग रेडी हो चुके हैं मुझे मारने के लिए। लेट्स गो, 3 2 1 स्टार्ट। ओ तेरी भैंस की, चारों ही बहुत तेज भागते आ रहे हैं। मुझे घूम के ना भी यहाँ से सीधा चलना चाहिए। फिलहाल सामने एक विलेज है, अगर मैं उस विलेज तक पहुंच जाता हूँ तो मुझे वहां से बहुत अच्छी लूट मिल जाएगी। लेकिन ये लोग इतने हल्के नहीं है, इनसे मुझे ना पहले पीछे छुड़ाना होगा। अगर मैं लूट में लगूंगा तो हो सकता है मुझे ये पहले ही टपका दे। फिलहाल तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। ओ तेरी, ये मारेंगे भाई। खैर अभी काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ मैं इन लोगों से, और यहाँ पर थोड़ी बहुत क्या, पूरे के पूरे ट्रीज से भरा हुआ है जंगल। फटाफट इंपॉर्टेंट टूल्स मैं बना लेता हूँ। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर एक एक्स और एक पिकएक्स बना लिया है, जल्दी से इसे तोड़कर मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। मुझे ना अभी सबसे पहले अपने लिए आयरन की टूल्स और आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए, क्योंकि आगे की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मत्स्य कांड मूव के लिए। बट हाँ, इसको मैं ओपनली करूंगा तो ये मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, मुझे काम शुरुआत में छुप के करना होगा। ऑलराइट, तो अभी मैं केव के अंदर आके छुप चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने जो खाने इकट्ठा करा था उसे पकने के लिए लगा दिया है। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़े अच्छे टूल्स बना लेता हूँ। पहले मेरे पास वुड के थे, बट अभी मैंने स्टोन के बना लिए हैं। अब स्टोन से भी अच्छे होते हैं आयरन के, तो फटाफट से यहाँ पर मैंने आयरन भी ढूंढ लिया है, जल्दी से इसे भी माइन करके स्मेल्ट करते हैं। लेट्स गो, अभी मैं ढेर सारा आयरन भी लेकर आ चुका हूँ और अपना फूड भी यहाँ पर कुक हो चुका है। जल्दी से यहाँ पर आयरन रख देता हूँ, पर हाँ, इतने आयरन से अपना काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत और आयरन ढूंढना होगा जो कि मुझे इस तरीके से माइन करने पर शायद से मिल जाएगा। फिलहाल शायद पीछे, ओ तेरी, ये लोग यहाँ पर, इसकी ऐसी कितने सी भाई साहब, ये इतनी जल्दी मेरे को कैसे ढूंढ लिया इन्होंने। वेट भाई, आखिर ये चार लोग भी तो है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत आगे आना होगा। यहाँ पर एक बंदा, इसकी ऐसी मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया, जैसे निकलने की कोशिश करेगा मैं इन्हें मार सकता हूँ। मैं डर क्यों रहा हूँ, मेरे पास इनसे तगड़े टूल है। तेरी भैंस की, निकल, तू भी निकल। ओ तेरी भाई, ये तो गया। बेचारे आए तो थे मेरे को मारने, लेकिन मर के गए हैं और अपना सारा का सारा सामान भी मुझे दे गए। और इसी के साथ मैंने एक लावा पूल ढूंढ लिया है, और इनके सामान से मैंने वाटर बकेट भी बना ली थी। अब जल्दी से मैं एक पोर्टल बना लेता हूँ यहाँ पर। लेट्स गो, तो फाइनली यहाँ पर पोर्टल भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बस मुझे इसे फ्लिंट करना है और जल्दी से चलते हैं नेदर में। अभी मैं ये नेदर में तो आ चुका हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये फोर्ट्रेस कहाँ पर होगा। और एक सेकंड, ओ तेरी भाई, वेट, ये लोग यहाँ पे भी आ गए। इनके पास जो कंपास है ना, उसमें मेरी लोकेशन दिख रही है, और अभी मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लान लेकर नहीं चलता, अपने पास बहुत से प्लान रहते हैं। मुझे अभी इसे ट्रैप पे फंसा के यहाँ पे मारना होगा। और वेट, ये तो खुद ही अपने आप ही इस ट्रैप में फंसता जा रहा है। अगल बगल लावा है, मैं इसके एक शॉट में मार के इसे लावा में गिरा सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ से खुद ही बेचारा एक गड्ढे में जाके गिर गया। अब तो इसको कोई नहीं बचा सकता। इसे एकदम प्यार से मारूंगा ताकि इसका सारा का सारा सामान भी मुझे मिले। वेट, एक शॉट मैंने इसके मार दिया, दूसरा और तीसरे में खत्म। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से दिमाग लगा के मारना है। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने उसका सारा का सारा सामान लूट लिया है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बट फिट ये तो सारे के सारे मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी शुरू हो चुका है मत्स्य कांड का पहला अध्याय। ये जो मत्स्य कांड मूव है, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। लेट्स गो, इन सभी को मैंने नीचे बंद कर लिया है इनके पहले वाले प्लेयर की तरह, और सभी पे लावा डाल के यहाँ पर इनको मैंने जला के मारा है। ये अभी ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना ही अंदर बचे रह सकते हैं, क्योंकि लावा इनको अच्छे से चबा के खा जाएगा, और खा गया। लेट्स गो, और अभी भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। खैर, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं लावा में नहीं गिरने वाला हूँ। फाइनली थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे इधर रेड बायोम तो मिल चुकी है, और हमेशा रेड बायोम के आसपास होता ही है फोर्ट्रेस, बस इस बार भी मिल जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। बट हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसे फोर्ट्रेस वगैरह नजर, ओ वेट, सामने सब फोर्ट्रेस था क्या वो? वेट, सामने कुछ तो दिख रहा है, अभी ये फोर्ट्रेस ही है। अभी मुझे यहाँ से नीचे, बस ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्ट्रेस की खुशी में इतनी डैमेज चलता है। मुझे यहाँ से और नीचे जाना होगा। तो अपना बेसिकली पूरा का पूरा प्लान ये है कि मुझे फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज पाउडर इकट्ठा करना है, ब्लेज को मार के, और ब्लेज पाउडर के बाद मुझे आई ऑफ एंडर बनानी है, जो कि बनने वाली है एंडर पर्ल और ब्लेज पाउडर को मिला के। लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा ब्लेज के स्पॉनर पे, और सामने तीन तीन ब्लेज मेरा इंतजार कर रही है। बट अब तो तुम पिटे, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे अपोनेंट्स भी मेरे पास नहीं आने वाले। बच गया, हाँ कोई है क्या, आ जा बेटा आ जा, अब बताता हूँ। एक पड़ा, दूसरा भी, ओ जला दे। ओ भाई भाई,
फाइनली मुझे एक रोड मिली, कुछ इस तरीके से मुझे बहुत सारी रोड इकट्ठी करनी है। इसी के साथ एक और रोड, इसको भी करा खत्म। चलो भाई इसका भी दी एंड, लेट्स गो। शायद से मुझे 7 से 8 रोड की ही जरूरत है, इसको भी मार के मैं 8th रोड कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी फटाफट से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो गाइस अभी बस मुझे ड्रैगन तक पहुंचने के लिए एंडर पर्ल चाहिए, और एक कॉनमैन के लिए ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता, सेम वैसे एक गेमर के लिए भी ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे सामने ब्लू बायोम मिल चुकी है और मुझे ये बात मालूम है कि ब्लू बायोम में एंडरमैन स्पॉन होते हैं, जहां से मुझे ढेर सारी एंडर पर्ल मिल जाएगी। इसको भी मारा, इसने भी एंडर पर्ल दे दी। तो चलो भाई फाइनली 16 एंडर पर्ल मैंने इकट्ठी कर लिया इन्हें मार मार के। और तेरी ये घास कस्ती, खले यहाँ से इसकी बैंड बजा दी। ठीक है तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ सारा सामान लेके। ओ भाई नीचे तो इन्होंने पूरी फील्ड बिठा रखी है मुझे मारने के लिए, भागो वहां से। तो मैं जैसे तैसे पीछा छुड़ा के बाहर निकल आया, क्योंकि मुझे उनके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे आई ऑफ एंडर मार के पता करना है कि आखिरकार एंड पोर्टल कहां पर है, क्योंकि हमें एंडर ड्रैगन का रास्ता वहीं से पता चलेगा। वेस्ट हो गई है, लेट्स गो, डायरेक्शन मुझे पता चल चुकी है। ऑलराइट, तो उसी डायरेक्शन में मैं काफी देर से मूव करता करता बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूं, लेकिन अपनी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये तेज रात जैसे हंटर्स ने ना मुझे यहां पर आते हुए देख लिया है और ये चारों मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अपनी बोट मैं दूसरी साइड पर लेकर आ चुका हूं, और अभी मुझे थोड़ा आइडिया लग चुका है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड यहीं कहीं पर है, बिकॉज मैं जब भी आई ऑफ एंडर यूज कर रहा हूं तो वो यहीं कहीं पर जा रही है। एक बार थोड़ा सा ऊपर चल के सेफ लोकेशन पे चल के ट्राई करके देखता हूं कि आखिरकार अभी आई। ओ वेट, ये नीचे जा रही है, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे है, तो मुझे अभी फटाफट से कलेक्ट करना है और नीचे जाना है। यहाँ से नीचे जाने के लिए मैं डायरेक्टली स्ट्रेट डिग करने वाला हूँ, क्योंकि ये कभी भी आके मुझे मार सकते हैं। ओके, तो फाइनली डिग करते करते मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की एंट्रेंस मिल चुकी है और मैं आ चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में, और अभी मुझे मेन पोर्टल का रास्ता ढूंढना होगा। लेफ्ट वाली साइड भी मैंने चेक कर लिया, मुझे वहां पे भी एंड पोर्टल नहीं मिला। और कोई, अबे ये लोग इतनी फास्ट यहाँ भी पहुंच गए भाई, एक मिनट आज, ओए एक नहीं दो नहीं चार आ गए। मुझे ना अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं भाई इस सिचुएशन पे आके बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और ये चारों इस बारी भाई फुल तैयारी कर कर आए, और मुझे कोई भी भागने का उनके ऊपर क्रीपर फूटा, उनका एक बंदा शायद से मारा गया। सीरियस, निकल यहाँ से। ओ भाई मेरे को भागना होगा, मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किधर जाके छुपना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहीं से भी आ सकते हैं और मेरे पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है। वेट 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 वेट, ऊपर जाना भी काफी ज्यादा रिस्की है, बट वेट, सामने मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, इधर क्रीपर है। अबे यार क्रीपर को मारूं कि ये सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़। भाई वाह, मेरे को भी इसे तोड़ना होगा, लेट्स गो, मैंने इसे तोड़ दिया है और यहाँ पर सिल्वर फिश टपक गई मेरे ऊपर भाई बच्चों। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे करके इन सभी सिल्वर फिश को मार दिया है, और अभी जल्दी से इस पोर्टल को स्टार्ट करके चलते हैं एंडर ड्रैगन के पास उसे मारने के लिए। बट उससे पहले मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे पता है ये लोग मुझे आके परेशान करेंगे, और हो सकता है कि मेरा ध्यान एंडर ड्रैगन पे रहे और ये लोग मुझे मार दें। तो टाइम आ चुका है मत्स्य कांड मूव का, और इस मूव के थ्रू मैं इन सभी का गेम खत्म करने वाला हूँ। अब गाइस देखो ये कैसे होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने बीच रास्ते में कुछ ड्रिप स्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये लोग यहाँ पर आएंगे तो इनको लगेगा मैं अंदर चला गया, कोर्स पोर्टल स्टार्ट है, शायद ही इन्होंने एडवांसमेंट पे फोकस करा होगा, और जैसे ही उसके अंदर जाएंगे मैं इनके ऊपर ये ड्रिप स्टोन गिराऊंगा, ये उस एंड वर्ल्ड में जाके इनके सर पे गिरेगा और ये मरने वाले हैं। फिलहाल अभी मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, और इस क्राफ्टिंग टेबल से मुझे ट्रैप डोर बनाने है, और ट्रैप डोर बनाने के लिए सिंपल मुझे शेयर रखना है, इन ट्रैप डोर को मुझे लगाना है यहाँ पे, और पूरा सेटअप करने के बाद बस मुझे यहाँ पर बैठ कर इनके आने का वेट करना है। गाइस फाइनली अपना वेट ओवर हो चुका है, ये सभी हंटर्स यहाँ पर आ गए हैं मुझे मारने के लिए, बट शायद से इन्हें डाउट हो रहा है क्या, मुझे थोड़ा सा ना छुप के रहना पड़ेगा। ये तीनों अंदर गए, वेट अभी यही तो मौका है इनके ऊपर ही गिराने का, लेट्स गो। मेरे को ये अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा गिराते रहने हैं, और जैसे ये उस वर्ल्ड में पहुंचेंगे इनका सर फूटेगा ना, जो ये भी कहेंगे भाई किस, ओवे एक बंदा गया, लेट्स गो, यहाँ पर दूसरा भी गिराया। तो यही है गाइस अपनी मत्स्य कांड मूव, कि हमने बंदे को मार दिया लेकिन बंदे को पता भी नहीं चला कि कब कैसे और कहां से मारा गया। लेट्स गो, एक के बाद एक बंदे यहां पर मरते जा रहे हैं, और अब हम लोग चलते हैं एंड में। अब बस सामान बटोर लेते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल काम बचा नहीं, एंड ड्रैगन को मारना है बस मुझे, और शायद से अब इनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची होगी कि यहां पर आकर मुझसे लड़े। और अब ड्रैगन को तो मैं एकदम मस्त आराम से मारने वाला हूं, इसके एक एक करके सारे के सारे टावर फोड़ूंगा। ये वाला टावर भी फोड़ दिया, इस वाले को भी उड़ा दिया। ओके, तो सारे के सारे टावर इसके फोड़ दिए, बस मुझे इसके नीचे आने का इंतजार करना है। तो ये फिलहाल अभी नीचे आ चुका है, इसकी एचपी मैं ऑलरेडी लॉक कर चुका हूं, और अब मुझे बस इसे पूरा फिनिश करना है,
बस ये इस बारी मर जाएगा अगर ये यहाँ से उड़े ना तो, और इसने मुझे उड़ा दिया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एमएलजी करके इससे बच सकते हैं। बेटा अब तू आ, नीचे तेरा मुंह तोड़ता हूँ मैं। लेट्स गो। ड्रैगन दोबारा से नीचे आ चुका है और इस बारी मुझे थोड़ा बहुत गुस्से में लग रहा है। अभी रुक जाओ, तेरे को मैं बताता हूँ। ओए ये क्या हो गया, ये गायब कैसे हुआ बे? हैं गया एक और। ओ मैंने उसको मार दिया था। तो इसी के साथ मैंने एंड्रू ड्रैगन को मार के गेम खत्म कर दिया है। भले ही मैं खुद भी उसमें मारा गया, बट हाँ मेरे साथ ना ये पहली बार हुआ है कि मैंने एंड्रू ड्रैगन को मार दिया और मैं खुद भी मर गया, मतलब दोनों मर गए।